वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम एक प्रमुख पॉइंट देखने वाले हैं और यहाँ पर जो है हम लोग सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी जो हैं उनको देखेंगे और ऐसे ही करके हम लोग जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो कि सल्तनत काल का, फिर उसके बाद जो और काल आएंगे उसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर इसको कवर करेंगे। पहला हमारा है आरिज ए मुमालिक, जो कि सैन्य विभाग का प्रधान था। आरिज ए मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान था। दूसरा है हमारा बरीद ए मुबालिक। बरीद ए मुबालिक जो है हमारा ये सैन्य जो कि गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। जो बरीद ए मुबालिक है ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। तीसरा हमारा पॉइंट है आमिर ए आखूर, जो कि अश्वशाला का प्रधान था। तो अश्वशाला का प्रधान आमिर ए आखूर है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। फोर्थ है हमारा आमिरे तुजुक। आमिरे तुजुक जो है ये उत्सवों के आयोजन का प्रमुख अधिकारी था। कौन था? आमिरे तुजुक। पांचवा हमारा पॉइंट है सहनाई मंडी। सहनाई मंडी जो है ये बाजार मूल्य नियंत्रण और बांट माप की जांच का प्रमुख अधिकारी होता था। यहां से क्वेश्चन जो है पूछता है कि कोतवाल जो है सल्तनत काल में कौन था, तो शहरों में शांति व्यवस्था के लिए जो उत्तरदायी था वही हमारा कोतवाल था। अभी भी जो है कोतवाल होता है, आप लोग ये ध्यान रखें। सेवेंथ हमारा पॉइंट है कारकुन। कारकुन कौन है? तो भूमि कर का हिसाब रखने वाला कारकुन है, ये पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है आमिर हाजिब। जो आमिर हाजिब है ये दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला है। जो दरबार में जो शिष्टाचार के नियम होते थे उसको लागू करता था आमिर हाजिब। नाइन्थ है हमारा पॉइंट सद्र उस सद्र, जो कि धार्मिक मामलों का प्रधान होता था। कौन? सद्र उस सद्र। नेक्स्ट है टेंथ पॉइंट वकील ए दर। जो हमारा वकील ए दर है ये राजा के व्यक्तिगत व घरेलू कार्यों का प्रमुख होता था। जो राजा के जो कार्य थे, जो व्यक्तिगत कार्य उसके होते थे, उसको देखता था वकील ए दर। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय।